Everybody, you are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, कल past tense चल रहा था और past tense के comment के बारे में बातचीत कर रहे थे. याद रखना, past tense है जो किसी भी writing के work में बहुत important है. इसीलिए ध्यान रखना, past tense से related जो comments हैं वे अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए. देखिए जी, दो बता दी थी और नंबर तीन पर देखिए, यूज टू, यूज ऑफ यूज टू. यूज टू का प्रयोग भूतकाल की ऐसी आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में लगातार चलती रहती थी लेकिन वर्तकाल काल में वे समाप्त हो गई हो, अर्थात वर्तमान काल में वे आदत नहीं रही हो, उसके लिए याद रखना यूज टू का प्रयोग किया जाता है. और सीधा साधे बात है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है. देखिए, स्ट्रक्चर लिखना चाहे तो स्ट्रक्चर लिख लेना. डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, इसके बाद यूज टू, इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद रेस्ट वर्डों की अंग्रेजी लिखी जाती है. देखिए, बंदर मंदिर में पहाड़ी पर घंटी बजाया करते थे. सब्जेक्ट क्या है? बंदर. द मंकीज used to. याद रखना, सब्जेक्ट के बाद used to और ध्यान रखना टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है. used to और बजाने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स होती है रिंग. इसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है. क्या बजाया करते थे? घंटे. और घंटे की अंग्रेजी होती है बेल. Used to ring the bell. और रेस्ट वर्ड की अंग्रेजी जो रह जाते हैं शेष, वही वे है, वही प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, उल्टे चलते हैं. देखिए जी, पहाड़ी पर मंदिर में, पहाड़ी पर ऑन प्रपोजिशन दी आर्टिकल और पहाड़ी की अंग्रेजी हिल. मंदिर में इन द टेंपल. द मंकीज यूज टू का प्रयोग वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिंग. ऑब्जेक्ट क्या बजाया करते थे? द बेल ऑन द हिल इन द टेंपल. और दूसरा स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखिए. हाँ जी, ग्वाले प्रतिदिन हरे खेतों में अपनी गायों को चराया करते थे. चराया करते थे. देखिए जी, द काउ हर्ड्स, द काउ हर्ड्स, ग्वाले गालों की अंग्रेजी काउहर्ड्स. द काउहर्ड्स प्रयोग यूज्ड टू का, चराने की अंग्रेजी ध्यान रखना टेंड. चराने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स दो होती है, ध्यान रखना. एक होती है ग्रेज, और ग्रेज यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रे एनिमल्स, एंड दूसरी होती है टेंड. और टेंड इज यूज्ड ओनली फॉर डियर स्टूडेंट्स पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स. घरेलू जानवरों के लिए या पालतू जानवरों के लिए टेंट का प्रयोग, आवारा पशुओं के लिए ग्रेज का प्रयोग किया जाता है टेंट. क्या चराया करते थे? ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी गायों को, अपनी की अंग्रेजी देयर, गायों की अंग्रेजी काउस. और रेस्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स है हरे खेतों में, हरे खेतों में. इन द
हरे खेतों की अंग्रेजी ग्रीन। इसके बाद खेतों की अंग्रेजी फील्ड्स। याद रखना करता है द कावर्स वाले यूज टू वर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रेस्ट वर्ड दे रखा है इन द ग्रीन फील्ड्स। और याद रखना प्रतिदिन और दे रखा है समय दे रखा है प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। और याद रखना नोट के रूप में लिखा देता हूं भूतकाल की मोमेंटरी हैबिट क्षणिक आदत। भूतकाल की मोमेंटरी क्षणिक आदत जो कुछ दिनों के लिए चलती है के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। सॉरी के लिए याद रखना डियर स्टूडेंट्स वुड का प्रयोग किया जाता है। मोमेंटरी हैबिट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की मोमेंटरी क्षणिक आदत को बताने के लिए ध्यान रखना वुड का प्रयोग किया जाता है। WOULD वुड का प्रयोग किया जाता है याद रखना। देखिए मैं मेरे बचपन के दौरान गांव की तालाब में कागज की नाव तैराया करता था। मेरे पिताजी मेरे बचपन में कभी कभी मुझसे नाराज हो जाया करते थे। देखिए जी स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वुड वर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रेस्ट वर्ड। मैं मेरे बचपन में गांव की तालाब में कागज की नाव तैराया करता था। ये मोमेंटरी हैबिट है और जो अल्पकालीन चलती है थोड़े दिनों के लिए चलती है उसके लिए याद रखना प्रयोग किया जाता है वुड का।
देखिए आई वुड, और तैराने की अंग्रेजी है फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि याद रखना डियर स्टूडेंट्स, आई वुड फ्लोट, तैराने की अंग्रेजी ध्यान रखना स्विम तैरना, फ्लोट तैरना, सिंक डूबना, और ड्राउन माने डूबना, ये डूबने की अंग्रेजी है याद रखना, और ये तैरने की अंग्रेजी है डियर स्टूडेंट्स याद रखना। सजीव वस्तु को तैरने के लिए स्विम का प्रयोग किया जाता है, निर्जीव वस्तु यदि कोई तैरती है तो उसके लिए फ्लोट, सिंक याद रखना, कोई निर्जीव वस्तु डूबती है तो उसके लिए सिंक, और कोई सजीव वस्तु डूबती है तो उसके लिए ड्राउन का प्रयोग किया जाता है। आई वुड फ्लोट, क्या तैराया करता था, कागज की नावें, पेपर, नाव की अंग्रेजी बोट्स, आई वुड फ्लॉट पेपर बोट्स, और रेस्ट के अंग्रेजी बनाने से शब्दों की अंग्रेजी बनाने के लिए उल्टे चलते हैं। हाँ जी, गांव की तालाब में, आई वुड फ्लॉट पेपर बोट्स, इन द विलेज पॉन्ड, गांव की तालाब में, मेरे बचपन के दौरान, ड्यूरिंग माय, बचपन के दौरान चाइल्डहुड, दूसरा सेंटेंस है, मेरे पिताजी मेरे बचपन में कभी कभी मुझसे नाराज हो जाया करते थे। सब्जेक्ट माई फादर वुड, और ऑफन कभी कभार, गेट क्या हो जाया करते थे नाराज, एंग्री विद मी, मेरे बचपन में, मेरे बचपन में, इन माई चाइल्डहुड, मेरे पिताजी मेरे बचपन में मुझसे कभी कभार नाराज हो जाया करते थे। माई फादर वुड ऑफन, कभी कभार की अंग्रेजी ऑफन, गेट एंग्री विद मी, मुझसे नाराज हो जाया करते थे, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, मेरे बचपन में, याद रखना। कभी कभार माँ मुझे छड़ी से पीटा करती थी, कभी कभार माँ मुझे छड़ी से पीटा करती थी, कभी कभार माँ मुझे छड़ी से पीटा करती थी। देखिए जी, सब्जेक्ट मदर वुड, कभी कभार की अंग्रेजी ऑफन, पीटने की अंग्रेजी बीट, विद ए स्टिक, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन, कभी कभार माँ मुझे मेरे बचपन में डंडी से, छड़ी से पीटा करती थी, याद रखना। करता मदर वुड, और एडवर्ब का वर्ड दे रखा है कभी कभार, जिसकी अंग्रेजी ऑफन, पीटने की अंग्रेजी पीट, विद ए स्टिक एक छड़ी से, इन माय चाइल्डहुड मेरे बचपन में, याद रखना। हाँ जी, फॉर लॉन्ग हैबिट,
इन द पास्ट टेंस वी शुड यूज यूज टू फॉर मोमेंटरी हैबिट इन द पास्ट टेंस वी शुड यूज वुड याद रखना। और अगली नंबर की जो कमेंट है डियर स्टूडेंट्स वह है पास्ट परफेक्ट टेंस। और नंबर चार पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी अकेली घटना के लिए नहीं किया जाता है। और अकेली घटना के लिए, अकेली कोई भी घटना घटित होती है, अकेला कोई भी कार्य किया जाता है पास्ट टेंस में, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमेशा दो ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें हमेशा दो कार्य चलते रहते हैं, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य चलता रहता है। और इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों को आफ्टर और बिफोर से जोड़ा जाता है, और हिंदी में पहले और बाद से जब शब्द से जुड़े रहते हैं। देखिए जी, पास्ट परफेक्ट टेंस के दो वाक्य आफ्टर वे बिफोर से जुड़े होते हैं याद रखना। और नंबर ए अब समझना है बिफोर डियर स्टूडेंट्स याद रखना, दो कार्य एक साथ चलते रहते हैं, जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और उसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाती है, तथा जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में बनाई जाती है। ध्यान रखना यदि हिंदी के दो वाक्य पहले शब्द से जुड़े हुए हैं तो जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाई जाती है, तथा जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में बनाते हैं। हाँ देखिए जी, बिफोर वाले वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है, जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाते हैं, तथा जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बाद में बनाते हैं। याद रखना इजी है, याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस की अंग्रेजी कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं बनाई जाती है, हमेशा इसमें दो वाक्य दिए हुए होते हैं। यदि कोई भी घटना जो घटित होती है या जो भी कोई कार्य होता है, जो भी कोई घटना होती है, वे यदि सिंगल सेंटेंस में दे रखी है, अकेले सेंटेंस में दे रखी है, उसमें टाइम दे रखा है, तो उसे पास्ट टेंस में ही इंक्लूड किया जाता है और पास्ट टेंस में ही उसे ट्रांसलेट किया जाता है याद रखना। देखिए जी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना दोनों वाक्य हैं
जो जुड़े हुए रहते हैं बिफोर से, इसके बाद दूसरा वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, जो कार्य पहले होता है, ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाई जाती है। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं? बिफोर से। और जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना। देखिए, सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं और ट्रांसलेट करके बताऊंगा, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना। हाँ जी, चपरासी के घंटे बजाने से पहले सभी लड़के अपनी कक्षाओं से आ चुके थे। राजस्थान में वर्षा होने से पहले सभी किसान अपने खेतों को जोत चुके थे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये दो सेंटेंस हैं, इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। देखिए, हाँ जी, पहले वाला सेंटेंस दे रखा है चपरासी का। देखिए जी, दो कार्य हो रहे हैं और दोनों काम हैं जो जुड़े हुए हैं पहले से। किससे? पहले से, याद रखना। एक काम है चपरासी का घंटी बजाना, दूसरा है लड़के, सभी लड़के, और सभी लड़कों लड़के अपनी कक्षाओं से, सभी लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर आ चुके थे। सभी लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर आ चुके थे, याद रखना। देखिए जी, पहले वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या दे रखा है? चपरासी का घंटी बजाना और सभी लड़कों का कक्षाओं से बाहर आना। चपरासी के घंटी बजाने से पहले सभी लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर आ चुके थे। काम कौन सा पहले हुआ है? सभी लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर आ चुके थे। काम कौन सा बाद में हुआ है? चपरासी का घंटी बजाने का। तो याद रखना, जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले बनाई जाती है। देखिए जी, सब्जेक्ट क्या दे रखा है? सभी लड़के, ऑल, आर्टिकल दी, लड़कों की अंग्रेजी बॉयज, ऑल द बॉयज, हेड, बाहर आने की अंग्रेजी कम आउट, याद रखना, बार थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है। ऑल द बॉयज हैड कम आउट, कम आउट
फ्रॉम अपनी कक्षाओं से, आउट और फ्रॉम, कम आउट फ्रॉम देयर क्लासेस, क्लासेस। और याद रखना पहले की अंग्रेजी, दोनों बातों को जोड़ने के लिए पहले की अंग्रेजी क्या हो गई, बिफोर। अब देखिए जी, पहले वाला वाक्य क्या है, राजस्थान में वर्षा हो रहा, और मौसम से संबंधित वाक्यों में कर्ता एट, वर्षा होने के लिए क्रिया रेन, और रेन की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रेस्ट वर्ड क्या बच गया, राजस्थान में, और प्रपोजिशन इन किसी भी देश प्रांत बड़े शहर के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, इनका, याद रखना। और दूसरा सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट्स देखिए, अरे गड़बड़ हो गई, देखिए ये नहीं है सेंटेंस, इसमें इसमें सेंटेंस है, चपरासी का घंटी बजाना, बिफोर द पियोन, बिफोर द पियोन, सब्जेक्ट क्या है, द पियोन। रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, और घंटी की अंग्रेजी द बेल, बिफोर रिंग द बेल। अब दूसरा वाला सेंटेंस है, देखिए जी, पहला, पहले काम कौन सा हुआ है, सभी किसान अपने खेत, खेतों को, खेत, खेतों को जोत चुके थे, खेतों को जोत चुके थे, देखिए जी। और बाद का कार्य कौन सा हुआ है, राजस्थान में वर्षा होना, राजस्थान में वर्षा होने से पहले सभी किसान अपने खेत जोत चुके थे, कार्य पहले हुआ है, सभी किसान अपने खेत जोत चुके थे, देखिए जी। ऑल द फार्मर्स हैड, जोतने की अंग्रेजी तीन होती है, कल्टीवेट, प्लो, याद रखना, एक होती है कल्टीवेट, एक होती है प्लो, प्लो माने जोतना होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म प्लॉट, कल्टीवेट, कल्टीवेटेड, याद रखना, और टिल, टिल माने जोतना, जिसकी सेकंड फॉर्म टिल। ऑल द फार्मर्स हैड प्लाउ और क्या जोत जोत चुके थे, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, अपने खेतों को, प्लॉट देयर फील्ड्स, प्लॉट देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोत चुके थे, और पहले की अंग्रेजी बिफोर, पहले की अंग्रेजी बिफोर, राजस्थान में वर्षा होना बाद में काम हुआ है, और मौसम से संबंधित जो कोई वाक्य होते हैं उनमें कर्ता क्या लगाते हैं, एट, और इसके बाद वर्षा होने की अंग्रेजी क्या होगी, रेन, रेन में क्या लगा देंगे, इडी, रेन, इट रेन, प्रपोजिशन एन, और इसके बाद राजस्थान, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गुमराह होते हैं इनमें, गुमराह आपको नहीं होना है, और एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, पहले वाले सेंट गड़बड़ हो गई थी, ट्रांसलेट दूसरा कर दिया था, और सेंटेंस पहले वाला था, उसको थोड़ा करेक्ट करना है आपको, याद रखना डियर स्टूडेंट। हाँ जी, माँ के रसोई में खाना तैयार करने से
पहले मैं और मेरी छोटी बहन अपना गृह कार्य कर चुके थे। वही सेंटेंस है ये, डियर स्टूडेंट्स याद रखना, वही सेंटेंस है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वही सेंटेंस है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, वे जर्नल एग्जाम्पल हैं, मोस्टली इनको लिखाते हैं टीचर, याद रखना। वही है जैसे पहले वाला सेंटेंस बोला था मैंने कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। काम कौन सा हुआ है, पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा वाला सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसमें गड़बड़ होती है, एल ई ए वी ई, लीव माने छोड़ना होता है, लीव माने छोड़ना होता है, याद रखना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, याद रखना, एल ई एफ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। कॉमन सेंटेंस हैं, इनको छठी साथी आठवीं नवीं दसवीं से टीचर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन याद रखना। देखिए जी, हाँ जी, माँ के रसोई में खाना तैयार करने से पहले मैं और मेरी छोटी बहन अपना गृह कार्य कर चुके थे। काम कौन सा हुआ है, पहले मैं और मेरी छोटी बहन अपना गृह कार्य कर चुके थे। हाँ जी, आई एंड माय यंगर सिस्टर हैड हैड डन, और याद रखना, आई एंड माय, और इसमें फर्स्ट पर्सन का रोल है, इसीलिए अपने की अंग्रेजी बने ही आवर। आई एंड माय यंगर सिस्टर हैड डन आवर होम वर्क, गृह कार्य करने के लिए डन, याद रखना। और अब इसके बाद में कार्य जो बाद में हुआ है वह है माँ का खाना तैयार करने से पहले, और पहले की अंग्रेजी बिफोर, सब्जेक्ट द मदर, और तैयार करना प्रिपेयर्ड।